नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट जो भाग दो है, कितना भाग दो का, भाग दो का प्रैक्टिस सेट सेवन है। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट सेवन है? तो दोस्तों, जानते हैं जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले एक चित्रकार के विषय में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम जिस चित्रकार के विषय में बात करने वाले हैं मित्रों, उनका नाम है सुधीर रंजन खास्तगीर। तो सबसे पहले मित्रों, हम इनके जीवन परिचय के विषय में बात करते हैं। जीवन परिचय, दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो सुधीर अंदर खास्तगीर के जीवन परिचय में पहला पॉइंट हमारा है जन्म का। बात होती है जन्म की, तो अगर जन्म के विषय में बात की जाए मित्रों, तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1907। कब? 24 सितंबर 1907 को चीतागोंग बांग्लादेश में। वही इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है सत्यरंजन खास्तगीर, जो कि यह एक गुरु है, अरे इंजीनियर है, क्या थे? इंजीनियर थे। दूसरा पॉइंट मित्रों, प्रशिक्षण या गुरु की बात की जाए तो प्रशिक्षण और गुरु की बात की जाए तो अब दो गुरु से शिक्षा लेते हैं। सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर व नंदलाल बसु से। कब? 1928 से 33 तक अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु से। बंगाल के पुनरुत्थान कालीन कलाकारों में जो कि इनका विशेष स्थान रहा है, क्या विशेष स्थान रहा है? वहीं अगर शिक्षण कार्य की बात की जाए, तीसरा पॉइंट है शिक्षण कार्य, तो 1936 में। कब? 1936 में दून पब्लिक स्कूल देहरादून में ये कला विभाग में जो कि अध्यक्ष रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है चित्र माध्यम। इनके चित्र का जो माध्यम था मित्रों, सीमेंट व प्लास्टर कांच से ढलाई की असुविधा के कारण 1956 में
उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए और 1961 में यह सेवानिवृत्त होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो यह मूर्तिकला चित्रकला छापा चित्रण तैल चित्रण पेंसिल चित्रण और चारकोल में यह चित्रण किए हैं। किसमें? मूर्तिकला छापा कला तैल चित्रण पेंसिल स्केच चारकोल चित्रण में इन्होंने काम किया है। बात होती है प्रारंभिक चित्र की। इनका प्रारंभिक चित्र था जल रंग, वास और टेम्परा में निर्मित। किसमें? टेम्परा में निर्मित है, जिसमें मित्रों इन्होंने श्याम वर्ण कन्या बुढ़ापा यौवन व्यथा माँ निर्धन का स्वर्ग प्रभु है माँ निर्धन का स्वर्ग प्रमुख है। खास्तगीर ने रविंद्रनाथ टैगोर के किसके रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों पर आधारित नृत्य नाटिकाओं को निर्देशित किया है। बात करते हैं पुरस्कार की। वह पुरस्कार की बात की जाए तो पहला पॉइंट 1958 में पद्मश्री। क्या? पद्मश्री। दूसरा 1937 में ट्रैवलिंग फेलोशिप ड्यूटीच अकेडमी ऑफ म्यूनिख तथा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा फेलोशिप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे जो कि इनके प्रमुख चित्र की। प्रमुख चित्र तो सबसे पहले अगर पहला चित्र है इनका विधवा। विधवा बांसुरी वादक। दूसरा बसंत नृत्य। तीसरा प्रकृति मिलन।
राधा कृष्ण। पांचवा धरती की पुत्री। छठा बिच्छुड़ी। सातवां तालाब से वापसी। ये जो तालाब से वापसी चित्र मित्रों, ये दो लोगों का है, राजा रवि वर्मा का भी है। नवा नृत्यांगना। या नर्तकी बालिका। क्या? नर्तकी बालिका। दशा की बात की जाएगी मित्रों तो दो बहने, ग्यारह संथाल स्त्री, बारह संथाल कन्या, अब यहाँ पे एक बात समझिए आप लोग, जो संथाल स्त्री और संथाल स्त्री जो है मित्रों, वह जो कि नंदलाल का भी है। किसका? नंदलाल का भी है, नंदलाल बसु का। तेरह महिला पक्षी लिए हुए। चौदह की बात की जाए तो अमल ताश के पेड़। सत्रह मीराबाई नौकाएं, माँ बच्चा, विश्राम। और अन्य चित्र की बात की जाए तो गुरुदेव हुआ बापू। मित्रों नृत्य और पलाश के फूल इनके प्रिय विषय रहे हैं। क्या? नृत्य और पलाश के फूल, जो कि सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रिय विषय रहे हैं। अगर बात की जाए इनके चित्रों में तो रेखात्मकता, अलंकारिता एवं गतिशीलता पर यह बल देते हैं। खास्तगीर की अगर बात की जाए मित्रों तो खास्तगीर का विशेष विषय रविंद्रनाथ की मुखाकृति थी, जिसको उन्होंने बार बार अंकित किया है, बार बार अंकित किया है। फिर हम बात करते हैं इनके शिष्य के विषय में, बात करते हैं तो शिष्य इनके शिष्य रहे हैं मित्रों, जैसे कि मदन लाल नागर। कौन? मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट दूसरे, और तीसरे की बात की जाए अवतार सिंह पवारत थे। नोट करके लिखिए पहला पॉइंट, रोदा नामक यूरोपीय मूर्तिकार का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। दूसरा पॉइंट, खास्तगीर के चित्र जीवन के हर्षोल्लास पल से संबंधित है। इन्हें जो कि लोक जीवन का चित्रकार कहा जाता है। क्या?
लोक जीवन का चित्रकार। तीसरा पॉइंट, कला अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर के अनुग्रह पर अपने देश की कला वैभव समझने के लिए विभिन्न कला तीर्थों का भ्रमण किया, जिसमें कोणार्क, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एवं महाबलीपुरम सम्मिलित है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था सुधीर रंजन खास्तगीर से संबंधित थे, और आइए अब हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सुधीर रंजन से खास्तगीर से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि आज का प्रैक्टिस कौन सा, प्रैक्टिस सेट जो कि सेवंत है, सेवंत। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्य सभा के लिए मनोनीत किया गया? तो बात हो रही है मूर्तिकार की, तो उस मूर्तिकार का नाम है मित्रों जो कि आप लोग भी उत्तर करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ पात्रा। क्या नाम है? रघुनाथ पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार है मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी पारसी है। क्या है? पारसी। तो बात होती है मुगल शैली की, तो मुगल चित्रकला की अगर बात की जाए मित्रों, तो मुगल चित्रकला जो कि 1556 से लेकर 1857 तक पनपी थी। कब? 1556 से 1857 तक। तो बात होती है अगर मुगल चित्रकला के आदि स्रोत कहाँ से आए थे, तो यह मित्रों हिरात या हिरात और समरकंद। क्या? हिरात और समरकंद, जो कि मुगल शैली को कला का द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या? अगर कला का द्वितीय स्वर्ण काल का युग किसे कहा जाता है, तो मुगल शैली को कहा जाता है। वही प्रथम की बात की जाएगी तो वह है गुप्त काल को। इसे गुप्त काल को। मुगल शैली की उत्पत्ति मित्रों दो जो कि शैलियों के मिश्रण से होती है, हिंदू या और ईरानी। किसे? हिंदू और ईरानी, या हिंदू पारसियन, ईरानी को ही पारसियन कहा जाता है। ईरान के राजाओं को मित्रों जो कि चित्र पोथियां जो कि शाहनामा में अंकित किया गया है, वही शाहनामा की बात की जाए तो इसके रचनाकार कौन है मित्रों? तो फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी, जो कि इसके रचनाकार हैं। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या? पूर्व का होमर। तो किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। और हाशिया बनाकर चित्रण करना जो कि फारसी शैली का जो कि प्रभाव है। किसका? फारसी शैली का प्रभाव है। वही भारत में मित्रों सर्वप्रथम जो कि स्थिर चित्रण देखने को हमको मुगल शैली में ही मिलता है। किसमें?
मुगल शैली में देखने को मिलता है। सभी चूंकि पोर्ट्रेट को ही कहते हैं, किसे? पोर्ट्रेट को ही कहते हैं। वही दरबारी चित्रकला भी पहली बार हमको मुगल शैली में ही मिलता है। कहाँ पे? मुगल शैली में ही मिलता है। तो वही मुगल वंश की स्थापना की बात की जाए तो मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर ने किया था, किसने? बाबर ने। तो बात होती है बाबर की। तो बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को जो कि फरगना की घाटी अंदी शन में हुआ था। तो ये कहाँ पे है मित्रों? तो वर्तमान जो कि उस उज्बेकिस्तान में, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में है। वहीं बाबर की उपाधि की बात की जाए मित्रों, तो बाबर की उपाधि कलंदर की उपाधि लेता है। किसकी? जो कि कलंदर की उपाधि लेता है। और तुजू के बाबरी में हिरात को बुद्ध जीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया है, जो कि बाबर का यह आत्मकथा है तुजू के बाबरी। बात की जाए तुजू के बाबरी की, तो तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर जो कि बेहजाद ईरानी चित्रकार था, इनके चित्रों की आलोचना की थी। और बेहजाद जो कि मित्रों खुरानस और हिरात का चित्रकार था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टी स्क्वायर किसे कहते हैं? तो बात होती है टी स्क्वायर, तो किसे कहते हैं? तो ये है रेखा खींचने का एक यंत्र है, ऑप्शन नंबर जो कि बी। क्या है? रेखा खींचने का एक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल कितने प्रकार की होती है? पेंसिल कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों पेंसिल जो कि 3 प्रकार की होती है, एच बी बी और एच, ऑप्शन नंबर जो कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण मापनी क्या है? तो विकर्ण मापनी की बात की जाए तो 2 अंकों तक पढ़ने वाली मापनी क्या है? 2 अंकों तक पढ़ने वाली मापनी को विकर्ण मापनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से द्वितीयक सेकेंडरी रंग हैं? कौन से द्वितीयक सेकेंडरी रंग हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, हरा और बैंगनी। कौन सा? हरा और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तटस्थ न्यूट्रल रंग है? तटस्थ या न्यूट्रल रंग की बात की जाए तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर ए, काला व सफेद। कौन सा है? काला व सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 रंग मिलाने से काला रंग बनता है? तो यह 2 रंग है मित्रों, नीला कत्थई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो कि डी है, नीला और कत्थई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1935
किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1935 में लिखी गई है। प्रिय मित्रों, ग्रोमविच के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर जो कि बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार की पेंटिंग ट्रायल 21 सितंबर 2005 को क्रिस्टीज की नीलामी में, किसके, क्रिस्टीज के नीलामी में 2.16 करोड़ रुपए में बिकी थी? तो है मित्रों एम एफ हुसैन। कौन है? एम एफ हुसैन। तो एम एफ हुसैन का पूरा नाम है मित्रों मकबूल फिदा हुसैन। क्या नाम है? टोटल इनका पूरा नाम है एम एफ हुसैन, मतलब मकबूल फिदा हुसैन। तो एम एफ हुसैन की अगर विषय में बात की जाए मित्रों, तो इनका जन्म 17 सितंबर कब, 17 सितंबर 1915 को, 1915 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंडरपुर नामक कस्बे में हुआ था। और इनका जो कि हमने आपको बताया, इनके पूरा नाम था इनका मकबूल फिदा हुसैन। इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो जैसे नीली रात, जमीन, कौन सा, नीली रात, जमीन, सेकेंड एक्ट, कौन सा, सेकेंड एक्ट। अगर बात की जाए किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये अपने घोड़ों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? घोड़ों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये कहा करते थे कि मैं घोड़ा बनाता हूँ और अपनी जीविका चलाता हूँ, इसलिए यह घोड़ों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी जो कि अश्व श्रृंखला थी द हार्स ऑफ द लुक्स बैक कब बनी थी, तो 1967 में, कब, 1967 में, और सन पर स्वीड ब्राइ सेज, यह कब बनी थी, तो 1961 में। इन्हें लोग जो कि दो अश्व श्रृंखलाओं का भी चित्रण किया है। लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, ये चित्र कब बनाए थे, तो 1950 में, कब, 1950 में इन्होंने चित्रण किया था। और 1963 में इनकी एक चित्रण थी, 1963 में परी, क्या थी, फरी, फरी नामक इन्होंने जो कि एक पेंटिंग जो कि नियो इम्प्रेसिव प्रभाव वाली है, कौन सा, नियो इम्प्रेसिव प्रभाव वाली है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 26 मार्च 1989 को, कब, 1989 को सुदबी की मदद से मुंबई में जवाहर नामक जहाज पर चित्रों की नीलामी की थी। इनमें हुसैन का फ्रीडम ट्रिब्यूट टू सफदर हाशमी नामक जो चित्र था वह 10 लाख रुपए में बिका था। कौन सा, 10 लाख रुपए में। इनकी एक चित्र है मित्रों जो कि पिकासो के साथ प्रकाशित की गई थी, उस चित्र का नाम है जो कि लैंप और मकड़ी, और पिकासो की चित्र थी अविन्यो की स्त्रियां, क्या थी, अविन्यो की स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं?
तो समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो ये है मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर डी, जिसका आधार कोण जो कि 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडियो पार्टनर का नाम बताइए। तो स्टूडियो पार्टनर का नाम है मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि बी, ज्योत्सना भट्ट। क्या है? ज्योत्सना भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रंग कंट्रास्ट रंग है? तो बात होती है कौन सा रंग जो कि कंट्रास्ट रंग है, तो ये रंग है ऑप्शन नंबर ए, लाल और हरा। क्या है? लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातु काय, मोती का कार्य, सीपी एवं हाथी दांत, कार्यों के व्यापार एवं नियति हेतु जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, लोथल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि लोथल। लोथल जो कि अगर नदी की बात की जाए मित्रों, किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह नदी है भोगवा नदी। कौन सी है? भोगवा नदी। और लोथल ही स्थित कहाँ है मित्रों? तो यह गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल शैली की बात की जाए मित्रों, तो जो कि अपने ऑप्शन नंबर ई, वास शैली के लिए प्रसिद्ध है। वास शैली में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ईएन टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर ने वास शैली में चित्रकारी की। बंगाल शैली में जो कि प्रमुख चित्रकार ईएन टैगोर जी थे, जिन्हें बंगाल शैली की पुनरुत्थान काल का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है? तो इसके विषय की बात की जाए तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शिकार का दृश्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी कलम और कसीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पहाड़ी कलमों का सीधाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, चंबा रुमाल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चंबा रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम हमें कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अल्टामीरा। कहाँ से? अल्टामीरा जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह है स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार के नाम की अगर बात की जाए तो ये हैं रामवीर सुतार। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रामवीर सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों के बारे में षडांग को में क्या कहते हैं? तो रंगों के बारे में षडांग में क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो कि बी, वर्णिका भंग। क्या कहा जाता है? वर्णिका भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है? तो संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर की अगर बात की जाए तो ये है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। कौन सा? अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधार मूर्तिकला
किससे प्रभावित है। तो बात होती है गांधार मूर्ति कला की, तो यह किससे प्रभावित है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ग्रीक कला से प्रभावित है। कौन सा? ग्रीक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? तो ये है अद्वैत गढ़ नायक। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, अद्वैत गढ़ नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि डकार। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो कि डकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? तो जंगलवाद का चित्रकार की बात की जाए तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, हेनरी मातिस। कौन है? हेनरी मातिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा मित्रों? तो यह होगा हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? तो सभी ललित कलाओं में पाया जाता है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, लय। क्या है? लय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चित्र पाया जाता है, तो शैल चित्र की बात की जाए तो यह हमें कहाँ मिलता है? तो यह है मुखाधरी में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो कि मुखाधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की पहचान कीजिए। तो राजस्थानी शैली की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, किशनगढ़ शैली। कौन सी है? किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली की चित्रकार का नाम बताइए। तो बंगाल शैली के जो चित्रकार हैं इनका नाम है नंदलाल बसु। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर जो कि सी, नंदलाल बसु। कौन है? नंदलाल बसु। तो नंदलाल अगर बसु की हम बात करें मित्रों, तो नव बंगाल शैली जो कि इन्हीं की देन है। कौन सी? नव बंगाल शैली की ये जनक माने जाते हैं। किसके? नव बंगाल शैली के। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 को। कहाँ पे? 1882 को मुंगेर जो कि बिहार में। कहाँ पे? मुंगेर बिहार में। इनके गुरु का नाम था मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर। और इनकी प्रसिद्ध चित्रण की बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सी है? तो है बीड़ा वादिनी। कौन सी है? बीड़ा वादिनी। 1923 में। कब? 1923 में नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के जो कि अध्यक्ष रहे हैं। और 1923 में ही मित्रों कला भवन शांति निकेतन का पूर्ण रूप और अध्यक्ष और प्राचार्य बनाया गया था। अब बात की जाए इनकी तीन पुस्तकें हैं, तो तीन पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो शिल्प कथा, शिल्प चर्चा और रूपावली।
कौन सा? शिल्प कथा, शिल्प चर्चा और रूपावली। 1954 में, कब? 1954 में मित्रों नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनको मित्रों सती नामक एक चित्र जो कि इन्होंने बनाया था उसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो कि प्रथम प्रदर्शनी में इनको उसमें 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। इनके प्रमुख चित्र की बात की जाए तो जैसे ग्रीप ऑफ उमा, राधा बीरा, बीड़ा प्लेयर, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, कर्ण विस्पिंग, द सन, गांधारी, वाऊ ऑफ भीष, सावित्री एंड एम, अन्नपूर्णा, सती, द्रोण, गिविंग लाइसेंस इन आर्चरी, उमा द पेशेंस अंडर वाटर, शिवा ड्रिंकिंग पॉइजन या शिवा का विस्पान, हेड ऑफ शिवा, संथाल गर्ल जो कि सुधीर रंजन खस्तगिर ने भी मित्रों इस चित्र को बनाया था, और यम और सावित्री, अभिसारिका एक चित्र है मित्रों जो कि इनका भी है और ईएन टैगोर का भी है और सुधीर रंजन खस्तगिर का भी है। अभिसारिका, तीनों लोगों ने अभिसारिका चित्रित किया है। कुरुक्षेत्र, ढोलक वादक और बापूजी, यह चित्र जो कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह में कौन बादशाह प्रकृति दृश्य का शौकीन था? तो यह ऑप्शन नंबर जो कि सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विख्यात ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक का संबंध है, तो ग्राफिक की अगर संबंध की हम बात करें मित्रों तो ग्राफिक का संबंध है जो कि छपाई की एक विधि है उसी को ग्राफिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? तो हमजानामा का जो चित्रण मित्रों ये अकबर के समय में पूर्ण होता है और शुरुआत की बात की जाए तो हुमायूं के समय में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया? तो ये थे केएन मजूमदार। कौन थे? केएन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था? तो यह बनाए थे मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि डी, एमएफ हुसैन मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य चित्रण का प्रभाव, दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समसामायिक चित्रकार कौन है? तो दृश्य चित्रण की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट्स ऑफ इंडिया आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, बी एन गोस्वामी। कौन है? बी एन गोस्वामी। मित्रों नोट करके आप लोग कहीं लिख सकते हैं जो कि अभी जो कि 2 दिन पहले की यह न्यूज है तो आप इसे नोट करके लिखिए। आपको हम बता दे रहे हैं
तो पहला पॉइंट है मित्रों, जो कि करंट का मैटर है, ये पूछा जा सकता है। जो भारतीय कलाकार हैं मित्रों, भारतीय कलाकार अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग है द स्टोरी ट्रेलर, द स्टोरी टेलर, जो कि यह 1937 में बनाई गई थी। रिकॉर्ड कीमतों में इसकी नीलामी हुई है, रिकॉर्ड कीमतों में, जो कि यह पेंटिंग 61.8 करोड़ रुपए में बिकी है। यह नीलामी मित्रों 16 सितंबर 2023 को कहाँ पे हुई है, तो दिल्ली में हुए सैफ्रन आर्ट इंडिया की स्प्रिंग लाइफ ऑक्शन। इस पेंटिंग को जो कि 61.8 करोड़ में बोली लगी थी। भारतीय कला के इतिहास में नीलाम होने वाली अब तक की है सबसे महंगी पेंटिंग है। कौन सी? द स्टोरी ट्रेलर। दूसरा पॉइंट, इस नीलामी में अन्य भारतीय कलाकारों की पेंटिंग भी रिकॉर्ड कीमतों में बिकी है। तो उस जो कि कलाकार का नाम क्या है, दूसरे कलाकार हैं मित्रों यशयज राजा, जिनको हम सैयद हैदर राजा के नाम से जानते हैं। इनकी पेंटिंग थी अर्थ। क्या है अर्थ? वह कितने में बिकी है? तो 19.2 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। तीसरे हैं मित्रों ए राम चंद्रन की पेंटिंग है मित्रों ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। यह करीब जो कि 4.4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। तो भारत की सबसे महंगी पेंटिंग किसकी है? तो अमृता शेरगिल की, शेरगिल की 2023 की बात हो रही है मित्रों। दूसरी यशयज राजा कौन सी? अर्थ। अमृता शेरगिल की कौन सी? द स्टोरी टेलर। और ए रामचंद्रन की कौन सी? तो ऑटोबायोग्राफी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लॉपी डिस्क के इस्तेमाल की अगर बात की जाए मित्रों, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? तो यह है पॉल रैंड। कौन है? पॉल रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिदियास कौन है? तो फिदियास की बात की जाए मित्रों, यह एक ग्रीक मूर्तिकार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाप के लिए षडंग में क्या कहते हैं? नाप के लिए अगर षडंग की बात की जाए मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी प्रमाण। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट 1978 पुस्तक का रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी केजी सुब्रमण्यम। कौन है? केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला पत्र लेखन विद सखी 1875 कैनवास पर तैल रंग चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा। कौन है? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फयाजुद्दीन डागर कौन थे? तो यह शास्त्रीय एक गायक है, फयाजुद्दीन डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंस्फिक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है?
यह मित्रों ऑप्शन नंबर डी जो कि मिस्र में स्थित है, कहाँ पे? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? पद्मनाभपुरम राजमहल जो कि कहाँ पे स्थित है, तो यह ऑप्शन नंबर डी जो कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेजवुड पाटरी कहाँ की है? तो बेजवुड पाटरी की बात की जाए तो जो कि है ऑप्शन नंबर ई इंग्लैंड की है। कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज की बात की जाए तो यह जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी बीजापुर, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार थे? तो ये थे मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि बी सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी की प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। तो ये है ललित मोहन सेन, जय कृष्ण अग्रवाल, श्याम शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी उपर्युक्त सभी। कौन है? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर वासरेली किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बात की जाए विक्टर वासरेली की तो यह जो कि रियलिस्ट, ऑप्शन नंबर जो कि मित्रों क्या है, विक्टर वासरेली की अगर बात की, यह है पॉप आर्टिस्ट है। क्या है? पॉप आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्सेटेलिस प्रसिद्ध है तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो यह एक ग्रीक मूर्तिकार है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए क्या है मित्रों? तो अपने देश के लिए यह एक प्रतीक या एम्बलेम है। क्या है? प्रतीक या एम्बलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली हेक्टर ने शुरू किया, तो ये शुरू करते हैं एंटलियर 17 स्टूडियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बेनिन ब्रांच कई हजार धातु की पट्टियों और मूर्तियों का समूह किस देश का है? तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि बी वेस्ट नाइजीरिया अफ्रीका। क्या है? वेस्ट नाइजीरिया अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी राजधानी थी, तो हम्पी किसकी राजधानी थी मित्रों? तो यह थी विजयनगर की। किसकी? ऑप्शन नंबर जो कि बी विजयनगर। आज का अंतिम प्रश्न, हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ? तो हेलेनिस्टिक कला का जो कि मित्रों यह प्रभाव गांधार कला के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी, कौन सा? हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव जो कि गांधार कला का ऊपर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।